राधे राधे दोस्तों, मैं कृष्ण आज फिर आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। अगर आप भी मेरे सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काल से कौन जीता है? मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार जो कुछ विघटित होना होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती है। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वह थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रम, विद्वान, कुशल, प्रजापालक, धर्म एवं परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे तथा रात्रि में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात और कुशल क्षेम जानने के लिए नगर भ्रमण हेतु निकल जाया करते थे। एक बार यूं ही राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर देर रात्रि में नगर भ्रमण हेतु निकले। भ्रमण करते करते अमृतवेला का समय हो गया, पांव फटने लगे थे। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग की दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ हो जाता था। अचानक राजा ने देखा, एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हारी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तत्काल ही राजा विक्रमादित्य ने देखा, एक भयानक ऋक्ष दौड़ा आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वह नौजवान लड़काहारा लकड़ी काट रहा था। ऋक्ष को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि ऋक्ष तो वृक्ष पर कभी नहीं चढ़ सकता। उस नौजवान लड़काहारे ने जब ऋक्ष को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और पृथ्वी पर गिरकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब ऋक्ष वृक्ष के नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप ही स्थित एक कुएं की जगत अर्थात मुड़े पर जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़ा कोतूहल से ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बना हुआ ऋक्ष अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे उधर आ निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुडेर पर पड़ी, उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो बड़े भाई से बोला, देख भाई कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है, बड़ा होने के नाते पहले मेरी है इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोला कि हम तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ ले, ये हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया, हे सुंदरी आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह लड़की बोली, मैं पास ही के गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुवारी हूँ और किसी योग वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी कुवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह लड़की जोर से हंसी और उठकर एक दिशा की ओर चल पड़ी। ये लड़की छलावा अब क्या करेगी? ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। अब तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक ऋक्ष की वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख, प्यास व राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान ना रहा। ध्यान रहा तो केवल उस रहस्यमय सुंदर लड़की के विषय में।
जानने की जिज्ञासा, अतः उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के विस्मय की सीमा ना रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को देखते ही देखते एकाएक वही सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही थी, अपित एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलकर एक नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला नाग नदी किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 20-25 लोग सवार थे। वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूद पड़े। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वे तो तैरकर नदी से बाहर निकल गए और जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूब कर मर गए। थोड़ी देर के बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदला। अब वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, इस बले रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि इस समय ये बला एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इससे इसके बारे में पूछ सकता हूँ। ये सोचकर राजा विक्रमादित्य सावधानी से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तो उस छलावे का पीछा कर रहे थे। अब राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण के सम्मुख पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे प्रश्न किया, आप कौन है? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ब्राह्मण हूँ। राजा बोले, आप असत्य बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। राजा बोला, तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपन रास्ता नापो। राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप रिच बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लड़करहारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उन दो सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया, फिर आपने एक जहरीला नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव में घुस गए और तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों ने भगदड़ मच गई, नाव पलट गई और आधे यात्री नदी में डूब कर मर गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है, अब सीधी तरह से सच सच बता दो, आप कौन हो? वह बोला, यदि ना बताऊं तो? ये सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं, ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बच नहीं सकते। अब मरने से पहले जल्दी से यह बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसके ये बोल सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस वेश में मुझे पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती तो हो नहीं सकती। तो राजा थोड़ी विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया आप बताएं कि आप वास्तव में कौन है। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में चार प्रकार के हट प्रसिद्ध है, राजहट, बालहट, त्रियाहट और योगहट। तुम राजा हो, राजहट पर अरे हो, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः राजन, अब ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ।
तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी मैं बताऊंगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्णांक बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो उठता है। उस समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी, ये भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजन, तुम ये भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी की मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं, तब मैं मृत्यु लोक अथवा पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे ये पता होता है कि किस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर ले आता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ, जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है अथवा निश्चित और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है, मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां अथवा हालात बना देता हूँ। उस लड़काहारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लड़काहारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं बना, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लड़काहारे की मृत्यु वृक्ष के गिरकर वृक्ष का टहनी टूटने के कारण हुई है, और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने ऋच बनकर वैसी ही परिस्थितियां व हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा सोचो, यदि असली ऋच होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं। परंतु वह तो मैं था, और मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको मैंने नहीं मारा, उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया हूँ, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात पर बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। कालदेव बोले, पूछो क्या पूछना चाहते हो, शीघ्र पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपया करके मुझे ये बताए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव बोले, हे राजन, मैं ये तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या दिक्कत है। कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण की काज करने हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, चलो समय ना सही ये तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव बोले, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर पांव फिसल कर गिरने के कारण होगी। इतनी बात सम्राट विक्रमादित्य को बता वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चल पड़े और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गए। इस वक्त तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अंतःमन में गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की ओर प्रस्थान किए, और आगे चलकर सचमुच में ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से हुई थी।
और इस कथन की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है। तो दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।